गाइस मैं मिसी हिजाब सफ़र। तो गाइस आज जो मैं मेकअप करने वाली हूँ वो पार्टी मेकअप है। और प्लीज़ जो भी मैसेज करना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं अपना मेकअप आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आज की ये मेरी क्लाइंट है, और सबसे पहले मैं इनकी आईज़ कवर करूँगी, जैसे कि इनके डार्क सर्कल्स हो रहे हैं। और हमारे पास कैरालोन की स्टिक है 36 नंबर, और अच्छे से इनकी मैं आईज़ पे अप्लाई करूँगी कैरालोन की स्टिक, और आईज़ इनकी पूरी कवर कर लूँगी। जैसे इनके डार्क सर्कल्स हैं तो इनके डार्क सर्कल्स अच्छे से कवर हो जाएंगे। और अभी जो मैं इनके आईब्रोज़ कवर कर रही हूँ वो डार्क ब्राउन कलर है, और अच्छे से मैं सबसे पहले इनकी लाइन डार्क ब्राउन से कवर करूँगी, और आईब्रोज़ को अच्छे से कवर करेंगे। और कलर जो है वो हम मेरा है डार्क ब्राउन, जो साइड कॉर्नर में यूज़ करूँगी। अच्छे से इनको मैट कर लेंगे, और डार्क ब्राउन से मैं लाइन दे रही हूँ ऊपर कॉर्नर से, और अच्छे से लाइन जो हम दे रहे हैं वो डार्क ब्राउन शेड है हमारे पास, और इसकी लाइन को अच्छे से मैं मैट कर लूँगी, और साइड पे कॉर्नर पे जो हमने लगाया था उसको अच्छे से मैट कर लूँगी। ऊपर की जो लाइन है उसको मैं पीच कलर से हल्का सा डार्क ब्राउन ब्राउन से ही उसको मैट कर लेंगे अच्छे से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरी आईज के ऊपर जो मैंने कलर दिया है वो डार्क ब्राउन कलर और हल्का सा पीच कलर। अब जो मैं आई शेड दे रही हूँ वो है वाइट शेड, क्योंकि हमारी क्लाइंट का जो मैक्सी का कलर है वो हॉफ वाइट है। और आई शेड पे जो मैं शेड इनको दिया है मैंने मैंने वाइट कलर का ही दिया है, और ऊपर हाइलाइटर मैं यूज़ कर रही हूँ, और उसको अच्छे से मैट करेंगे हम। जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से मैट करके उसको कवर करेंगे। काशी वालों का ये केक लाइनर है जो मैं क्लाइंट के यूज़ कर रही हूँ। अच्छे से लाइन को अच्छे से कवर करेंगे, और वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर लाइन कितनी निकालें। और तो मैं क्लाइंट के लैशेस अप्लाई कर रही हूँ स्वीट टच वालों की, और लैशेस लगाने से पहले आप आईज पे अच्छे से नीचे वाली जो आईश लैशेस है उसके ऊपर जैसे बेस वगैरह लगा होता है उसके ऊपर आप अच्छे से लाइनर वगैरह लगा लेंगे, ताकि जब आप लैशेस लगाओ तो नज़र ना आए। इसके ऊपर दोबारा मैंने काशी वालों का ही केक लाइनर यूज़ कर रही हूँ। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप बाहर की लाइन कितनी लेना चाह रहे हो या बाहर कॉर्नर कितना रखना चाह रहे हो। और जब भी लैशेस अप्लाई करेंगे तो आप ज़रूर इसके ऊपर एक बार लाइनर लगा दें। नीचे की लाइन है वो ही मैं डार्क ब्राउन से ही कवर करूंगी, और इसको अच्छे से मैट करूंगी। जैसे कि आप आईज देख रहे हो, और प्राइमर मैं यूज कर रही हूँ पूरा क्लाइंट के फेस पे, जैसे कि आपने देखा है। और प्राइमर यूज़ करके मैं इनका अच्छे से बेस अप्लाई करूँगी। अब सबसे पहले जो स्टिक यूज़ की है मैंने वो कैरालोन की स्टिक है, और 36 नंबर है। अब दूसरी जो स्टिक है वो भी कैरालोन की है, वो 38 नंबर है, और हम नेक पे भी अच्छे से अप्लाई करेंगे उसके, ताकि अच्छे से कवर हो जाए। और इसको हल्के हाथों से हम टैपिंग से बेस बिठाएंगे इसका, हल्का हल्के हाथों से हम टैपिंग करते जाएंगे। और जैसे कि आप देख रहे हैं नेक पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं, तो जब भी आप करोगे हम लोग स्वीट टच वालों का बेस अप्लाई करेंगे, तो हल्के हाथों से जैसे स्किन के अंदर जस्ट करेंगे। क्रिस्टीन का, क्रिस्टीन वालों का मैं
कंटोनिंग वगैरह करूँगी, जैसे कि नोज़ पे सबसे पहले हम कंटोनिंग करूँगे क्रिस्टीन वालों की। जब भी आप कंटोनिंग करें नोज़ पे तो आप बहुत अच्छे से लाइन बनाएं, जैसे कि आप देख रहे हैं। जैसे कि अगर आपका कंटोनिंग से जैसे कि नीचे बेस चला भी जाता है तो कोई मसला नहीं, उसको अच्छे से मैट कर लें। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप नोज़ की कंटोनिंग को कितना उठाना चाहते हैं, और वो हर किसी की नोज़ जो होती है डिफरेंट उनकी नोज़ होती है, तो उनको अच्छे से मैट करके, जैसे कि अभी क्रिस्टिन वालों के ही मैं डार्क ब्राउन से कंटोनिंग करूँगी चीक्स पे। कंटोनिंग करने से पहले आप हमेशा कंटोनिंग का ध्यान रखें कि आप यहाँ से कॉर्नर से ही स्टार्ट करेंगे। क्रिस्टीन वालों का ही हम लोग ब्रोशर यूज़ करेंगे, जैसे लाइट सा मैंने पीच कलर और पिंक लिया है, उसको अच्छे से मैट करेंगे। दोनों तरफ हम मैट करते जाएंगे और ये लगा के हम काशी वालों का हाइलाइटर यूज़ करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ मैं काशी वालों का। नोज़ पर भी मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ काशी वालों का ही, और अच्छे से आप हाथ से भी मैट कर सकते हैं। स्वीट फेस वालों का मैं ग्लोस यूज़ कर रही हूँ और इसका कलर बहुत अच्छा है, पिंक कलर में भी ये शेड दे रहा है, जैसे पर्पल कलर भी शेड दे रहा है। तो इसकी आउटलाइन मैं सबसे पहले बनाऊंगी, क्योंकि जब भी हम ग्लोस लगाएंगे तो हम ब्रश से पहले आउटलाइनर अच्छे से कर लें, क्योंकि बाय चांस हमसे जैसे हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे होते हैं तो ऊपर अगर लग जाता है तो कवर बहुत मुश्किल से होता है। तो आप इजी से कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं क्लाइंट का लिप लाइनर बहुत अच्छा लग रहा है और ग्लोस काफ़ी इन पे सूट कर रहा है। ग्लोस का कलर भी बहुत अच्छा है, जैसे कि आप देख सकते हैं मेकअप मेरा। और बताएं आपको आज का मेकअप कैसे लगा, ये मेरा फाइनल टच था। और प्लीज़ अगर कोई मैसेज पूछना हो तो पूछ सकते हैं। और मेकअप आज का मेरा ये था जो मैंने आप लोगों से शेयर किया है, और प्लीज़ बताएं आपको कैसा लगा है, हमारी मॉडल आपको कैसी लग रही है। और माशाल्लाह से बहुत प्यारी लग रही हैं और इनका फेस आप देख सकते हैं। आईज मेकअप और कंटोनिंग वगैरह आप लोगों से जो भी चीज़ें मैंने आप लोगों से शेयर की है, और मैंने बोला कि मैं से जैसे कि आप लोगों से हर एक चीज़ शेयर करूँ। और प्लीज़ मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ आज का बताइएगा आप लोगों को मेकअप कैसा लगा है, और प्लीज़ मुझे मैसेज भी करें और बताएं कि जो पूछना आप पूछ सकते।